स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। सुपर धोखे की कहानी देख रहे हैं आप। अपना फ्लैट पाने के लिए बिल्डर की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर आप भी बिल्डरों के धोखे से बचना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि फ्लैट बुक कराने से पहले आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इंसान की जिंदगी की बुनियादी जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान पहली प्राथमिकता होती है। रोटी कपड़े की जरूरत को करीब करीब हर इंसान पूरा कर लेता है, लेकिन मकान का सपना बहुतों के लिए सपना ही रह जाता है। इंसान रोटी कपड़ों की जरूरतों में कटौती कर अपने घर का सपना देखता है। सालों की बचत के बाद जब सपने के घर को खरीदने चलता है तो वो ऐसे चंगुल में फंस जाता है जहाँ उसकी सालों की गाढ़ी कमाई दांव पर लग जाती है। ऐसे में उसके सामने हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अगर आप भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट की बुकिंग करा चुके हैं तो अब समय है कि बिल्डर की ओर से कराए जा रहे काम पर एक नजर डाली जाए। इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई और अपने घर के सपने को किसी की बुरी नजर न लगे। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट की साइट पर खुद जाकर देखें कि वाकई वहां क्या चल रहा है। एग्रीमेंट के वक्त दिया गया ब्रोशर और सॉफ्ट मैप भी साथ ले जाएं, ताकि परख सके कि कहां कहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बिल्डर की तरफ से कंस्ट्रक्शन साइट पर मैप लगाया जाता है, उससे मैच करें। साइट पर देखें कि जिस जगह पर टावर बनाया जा रहा है वो पहले मैप में है या नहीं। अगर लगे कि मैप में दिखाई गई जगह के अलावा कोई टावर बना है तो उसके बारे में सवाल करें। टावर में जितने फ्लोर का वादा किया गया है अगर उससे ज्यादा मंजिलें दिखें तो सवाल करें। फ्लोर एरिया रेशियो का उल्लंघन, फ्लैट या दूसरी सुविधा की जगह कम हो तो सवाल करें। पार्क, स्विमिंग पूल और शॉप्स मैप में जहां जहां पर हो उस जगह पर ना हो तो सवाल करें। इन सब के बाद अगर आपको लगे कि जो ब्रोशर दिया गया था या जो एग्रीमेंट कराया गया था उसका उल्लंघन हो रहा है तो बिल्डर से उस बारे में जरूर पूछें। संतुष्ट ना होने पर लिखित शिकायत भी दर्ज कराएं। आप संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर फिर भी बात ना सुनी जाए तो पुलिस या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्डर अगर वादा करके मुकर जाता है तो अमूमन ये धोखाधड़ी का केस बनता है। आप दो तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल केस में दोषी साबित होने पर सिर्फ सजा होगी और रकम अटक सकती है, बशर्ते बिल्डर कोर्ट के बाहर समझौता ना करे। सिविल केस के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट या मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके घर के सपने को साकार बना सकती है। ऐसे में बिना पूरी जांच पड़ताल किए अपने सपनों के घर के लिए अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को दांव पर ना लगाएं। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। देखा आपने किस तरीके से बिल्डर आपको अपने धोखे के जाल में फंसा सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, एहतियात बरतना है। तो प्रॉपर्टी आपके पैसे को पंख लगाने का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ पैसा रातों रात दोगुना हो जाता है। कुछ सालों में ही प्रॉपर्टी के रेट कई गुना बढ़ने के मोह में आज हर कोई प्रॉपर्टी खरीदने को इच्छुक रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को इसमें बस फायदा ही मिलता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ गलतियां करने की वजह से इसमें अपने हाथ जला बैठते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं होता। कहाँ निवेश करें इस फैसले तक पहुंचने से पहले किन बातों का रखें ख्याल, ये बताते हैं आपको। कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन बातों पर ध्यान दे। प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे एक मकसद होना चाहिए। आप मकान अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं या महज इन्वेस्टमेंट के लिए? आपके दिमाग में ये साफ होना चाहिए। इन दोनों में काफी फर्क है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप किसी भी शहर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। पैसे कमाने के लिए तो आप कमर्शियल स्पेस में भी दिलचस्पी ले सकते हैं, इसमें भी बड़ा फायदा होता है। लेकिन सोच समझ कर निवेश करना ही सही होगा। सही जगह का चुनाव, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग मार खा जाते हैं। कहाँ प्रॉपर्टी ली जाए इस बारे में ठीक से विचार करके और अपना बजट देखकर ही निवेश करें। एक ही जगह बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। शेयरों की तरह अलग अलग पोर्टफोलियो के बारे में सोचें। जगह ऐसी होनी चाहिए जो आपके माकूल हो, यानी अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं
तो वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ क्या सुविधाएं हैं, इन सब बातों का पता लगा ले। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये देखिए कि उसमें कितने साल में कितना एप्रिसिएशन होगा। इसके लिए वहाँ के भूगोल, इतिहास और संभावित योजनाओं के बारे में पता लगाइए। टाइटल टू प्रॉपर्टी चेक करें। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मसलन उसका मालिकाना हक किसके पास है, यानी टाइटल किसके पास है। इसके लिए आपको कागजात मांगने चाहिए। ये भी देखें कि उस बिल्डिंग पर कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है। कुछ कंफ्यूजन लगे तो किसी एक्सपर्ट या वकील से सलाह लें। सरकारी इजाजत का पता करें। अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो ये देखिए कि बिल्डर को कंस्ट्रक्शन शुरू करने की इजाजत मिली है या नहीं। बिल्डर इस बारे में बरगलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए संभावित विभाग जैसे DDA, GDA, आवास बोर्ड आदि से पूछताछ करनी चाहिए। और अगर संतोषजनक जवाब ना मिले तो RTI का सहारा लें। प्लॉट या फ्लैट को खरीदते वक्त ये सुनिश्चित कर लें कि वो संबंधित अथॉरिटी से आवंटित है। दिल्ली के मामले में DDA, गाजियाबाद के मामले में GDA और नोएडा के मामले में नोएडा अथॉरिटी हो सकती है। बेचने वाले से अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेकर उसका संबंधित अथॉरिटी के हाउसिंग डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन जरूर करा लें। अलॉटमेंट लेटर यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो पता है DDA, विकास सदन, INA मार्केट, नई दिल्ली। इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप जानकारी जुटा सकते हैं। DDA की वेबसाइट है www.dda.org.in। इसके अलावा यहाँ का फोन नंबर है 2469043। अगर गाजियाबाद में प्रॉपर्टी लेने का आप मन बना रहे हैं तो इसके लिए GDA से संपर्क कर सकते हैं। GDA मेन हापुड़ रोड, रोडवेज बस अड्डे के पास, गाजियाबाद, इसका पता है। साथ ही वेबसाइट www.gdagaziabad.com पर लॉगिन कर इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकती है। अगर नोएडा में आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो अलॉटमेंट लेटर चेक कराने के लिए नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर जाएं। नोएडा अथॉरिटी का दफ्तर सेक्टर 6 नोएडा में मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में है। नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.com पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं जो आपको बिल्डर के झांसे में फंसने से बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली हो, नोएडा, गुड़गांव या फिर NCR के दूसरे इलाके, हर तरफ फैला हुआ है आपके धोखे का जाल। बिल्डर आपको लुभावने वायदे कर चमचमाते ब्रोशर दिखाकर आपके सपनों के आशियाने के नाम पर ठगने का काम करते हैं। आपकी मेहनत की कमाई अपने पास रख लेते हैं और फिर जब घर सौंपने का वक्त आता है तो आपको मिलता है एक के बाद एक नया धोखा। धोखे सिर्फ इसी बात से नहीं दिए जाते कि आपको आपके सपनों के आशियाने का पोजीशन ही ना मिले। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, हमने आपको दिखाए भी हैं कि लोगों को पोजीशन मिल जाता है लेकिन जब वो फ्लैट में रहना शुरू करते हैं उसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि ये उनके सपनों का वो घर नहीं जिसका वायदा बिल्डर ने किया था। बिल्डर जब फ्लैट बेचते हैं तो कई तरह के चार्जेस के फेर में बायर्स को फंसा देते हैं। इसकी वजह से फ्लैट या प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा हो जाता है। आइए बताते हैं आपको कि बिल्डर के धोखे चार्ज की हकीकत क्या है। अपने सपनों का घर खरीदते समय आपको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका घर आपके बजट की सीमा से बाहर न हो। देखें कि आप जो किराया दे रहे हैं उसकी तुलना में घर खरीदना सस्ता पड़ रहा है या नहीं। इस बात को ना सोचें कि कुछ सालों के बाद आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी कीमत दोगुनी होने वाली है। इसीलिए अभी महंगे दामों की चिंता ना करें। किसी भी बिल्डर से फ्लैट लेने से पहले प्रॉपर्टी की कीमत में जुड़े चार्जेस पर एक नज़र जरूर डालें। बिल्डर मकान की कीमत वसूलते वक्त कई तरह के चार्ज लगाते हैं। ये सब कुछ पहले से तय होना चाहिए और आपको सभी कुछ विस्तार से जान लेना चाहिए। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं जिनके लिए बिल्डर लाखों रुपए आपसे एक्स्ट्रा वसूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर पार्किंग के पैसे चार्ज नहीं कर सकता, जबकि ज्यादातर बिल्डर 1 से 3 लाख रुपए तक इसके लिए चार्ज करते हैं। हर बिल्डर के लिए अपने प्रोजेक्ट में पार्किंग की जगह देना जरूरी है। ऐसा न होने पर बिल्डर पर गाज गिर सकती है और बिल्डर इसका बोझ बायर पर नहीं डाल सकता।
पीएलसी यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज। पीएलसी के नाम पर बिल्डर कई तरह के चार्जेस लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने घर की लोकेशन चुन सकते हैं। आपका घर कौन से फ्लोर पर है, इससे उसके रेट में काफी फर्क पड़ता है। कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में क्लब चार्ज भी वसूले जाते हैं, जबकि कई लोगों को तो क्लब से मतलब भी नहीं होता। क्लब के नाम पर एक बड़ी रकम बिल्डर फ्लैट बेचते वक्त लगा देता है, लेकिन अपना पैसा लगाने के पहले ये जरूर जांच ले कि इस क्लब की आपको जरूरत है भी या फिर नहीं। कई बार ये भी देखा गया है कि क्लब की इमारत तो बिल्डर बना देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल वहाँ रहने वाले नहीं कर पाते क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ही नहीं होती। कई बिल्डर पार्क फेसिंग के नाम पर ही पैसे वसूलते हैं, तो कई गोल्फ कोर्स के नाम पर। ऐसे चार्जेस गलत हैं और इनके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। पार्क के नाम पर पैसे वसूल तो लिए जाते हैं, लेकिन एक बार पोजीशन मिलने के बाद इनकी मेंटेनेंस का क्या होगा, ये जरूर पता कर लें। सरकार ने बिल्डरों से खरीदे जाने वाले फ्लैट वगैरह पर सर्विस टैक्स लगा दिया है। ज्यादातर बिल्डर इस बारे में बताते नहीं हैं और ग्राहक को धोखे में रखते हैं। बाद में जब पोजीशन का वक्त आता है तो वो इस बारे में बताते हैं। याद रखें, ये टैक्स कंपलसरी है। इसके अलावा घरों के साथ आपको कुछ और चार्जेस भी चुकाने पड़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चार्ज, वाटर सप्लाई चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत रियल एस्टेट कंपनियां ग्राहकों को उनके बजट में न सिर्फ अच्छे घर दिलाने का वादा करते हैं, बल्कि अच्छे रिटर्न का भी वादा करते हैं। हालांकि ग्राहकों को हर तरह के सस्ते घरों की स्कीम में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार बिल्डर डेवलपर सस्ते घरों के नाम पर ग्राहकों को ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा देते हैं जो उनके लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। प्रोजेक्ट की बताई गई कीमत के साथ कई ऐसे शुल्क वसूले जाते हैं जो मकान की कीमत की तुलना में ज्यादा बड़े शुल्क लगते हैं। इसीलिए घर खरीदते समय सोच समझकर और चतुराई के साथ सौदा करें, जिससे आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही किसी के हाथों में न चली जाए। समझदारी भरे फैसले करें और खुश रहें। प्रॉपर्टी डेस्क, टोटल न्यूज। तो देखा आपने, ये वो तमाम चार्जेस हैं जिनके फेर में फंसाते हैं आपको बिल्डर्स, और साथ ही सपनों के ऐसे रंग दिखाते हैं जिन रंगों का आपकी जिंदगी की हकीकत से कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए धोखे के इस जाल से बचने के लिए जरूरी है जागरूक रहना। लेकिन फिर भी अगर आप हुए हैं धोखे का शिकार तो आप कर सकते हैं टोटल न्यूज से संपर्क। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए भी आप टोटल न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। सुपर धोखे की कहानी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।